साहिबगंज के पत्थर कारोबारी और पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव को ईडी की विशेष अदालत ने 6 दिनों के रिमांड में भेज दिया है। गुरुवार रात को बच्चू यादव को रांची के वर्धमान कंपाउंड से गिरफ्तार किया गया था। ईडी की टीम ने शुक्रवार को बच्चू यादव को पहले ईडी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। देर शाम ईडी की विशेष अदालत में बच्चू को पेश किया गया। ईडी ने बच्चू यादव से पूछताछ के लिए 10 दिनों तक की रिमांड मांगी थी, पर विशेष अदालत ने 6 दिनों की रिमांड अवधि मंजूर की। बच्चू यादव का साहिबगंज में अवैध पत्थर खदान और क्रशिंग यूनिट है। इसके अलावा मनिहारी घाट से फेरी के माध्यम से स्टोन चिप्स और डस्ट का अवैध ट्रांसपोर्टेशन का काम भी है। रोजाना साहिबगंज के मनिहारी घाट से 200 ट्रक किट्टी बिहार और अन्य राज्यों को बच्चू यादव के जरिए भेजने का काम किया जाता है। कल ईडी पदाधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसे आज ईडी केसेज के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। ईडी द्वारा उसे 10 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश ने इसे 6 दिन के ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। आज इसे होटवार जेल भेजा जा रहा है। अब कल ईडी अपने कस्टडी में लेकर आगे की पूछताछ करेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।